हाँ चलते हैं, देखते हैं दरवाजा। अरे 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 अरे, ये हमारा यूथ क्या कर रहा है यार? देखिए ओहो, कुछ कुछ भजन चल रहा है। हाँ चल चल, आइए आइए देखते हैं क्या भजन हो रहा है। आइए दुनिया में एक अंधेरा किया हुआ है। कल्पना मूलक मतों ने दुनिया में एक अंधेरा किया हुआ है। कल्पना मूलक मतों ने दुनिया में एक अंधेरा किया हुआ है, किया हुआ है। आत्मा सी चीज को भी खुदा का बता रहे ये तो बहुत अच्छे मायने हैं। आंखें खोलो तो मैं सोने वालों, गुरु तुम्हारे बुला रहे हैं। मुझे लगता है जिस कृतज्ञता या श्रद्धा को हम ढूंढने निकले थे वो कहीं आसपास ही है, ऐसा कुछ सुखद सा एहसास हो रहा है। मैं किसे पता करता हूँ, क्या श्रद्धा का पता यही है?
या कृतज्ञता का पता नहीं है? इधर आप बता रहे हैं। मैंने श्रद्धा देखी है दो डाको वाले हाथ में डंडा कुबड़ी सी हमारे गांव की बुढ़िया का नाम हाँ वो भी श्रद्धा हो सकती है श्रद्धा कौर आपको लगता है किसी को महसूस हो रहा है कि कृतज्ञता श्रद्धा आसपास है या सेवा आसपास है आपके पास है आपके पड़ोस में जानती हैं आप मैं श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहा श्रद्धा की बताइए बताइए जल्दी बताइए जिनके पास आपने अभी जाके कुछ पूछा उनके बगल में बैठी है उनसे पूछिए श्रद्धा क्या होती है अच्छा लेकिन मुझे तो बताया गया कि वो कुबड़ी सी है हाथ में डंडा लेके चलती है ये तो बिल्कुल उलट दिख रहा है कुछ एक बार ध्यान से देखें आपका उबड़ भी कहीं नहीं है ये तो बहुत अच्छी है श्रद्धा श्रद्धा ऐसी हो तो सच में सेवा करने का मन करेगा मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि श्रद्धा और कृतज्ञता ना हो तो देश को कहां लेके जाएंगे किस स्थिति में जाना चाहिए हमारा यूथ आजकल क्या कर रहा है हमने इसी को गुरुवादी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया लीजिए अबू मैं जरा घूमने जा रहा था हाँ बेटे बस अबू अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तुझे पता है ना समय सही नहीं है अरे अबू मुझे सब पता बिल्कुल चिंता मत करो अरे कहाँ जा रहा है अम्मी जान बस अपने दोस्तों के साथ बाहर कुछ खाने जा रहा था अरे घर का खाना तो खा ले मुझे नहीं खाना वो आपके हाथ का बना है तरीका है अपनी अम्मी जान से बातचीत करने का अरे सॉरी पर मैंने तो कितनी बार कहा है कि जब कहीं जा रहा हूँ तो पीछे से ना टोका करे ये ना आपकी लाड प्यार में बिगड़ता जा रहा है चुप रहा करो मैं बात कर रहा हूँ ना बीच में मत बोला करो तुम जा बेटा जा लेकिन डिनर से पहले आ जाना जी अबू बिल्कुल चिंता मत करो यूं गया और यूं आया जा जा देखना जा रहे कुछ ना कुछ गलत करके आएगा ओफो तुम भी ना गाय हमारी माता है यहाँ उपस्थित मेरे सभी हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें इज्जत और सम्मान से हिंदुस्तान में सिर उठा के जीना है तो उन्हें संगठित होना होगा और गौ सेवा में अपना सहयोग देना होगा गाय हमारी माता है और अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ बदसलूकी करे तो बताओ तुम लोग क्या करोगे देंगे, देंगे। बहुत बढ़िया ये आग बुझनी नहीं चाहिए तो फिर जाओ इधर जाओ उधर जाओ चारों जगह फैल जाओ हर गांव, हर शहर हर नुक्कड़ हर गली में जाओ और जो तुम्हारी माँ के साथ बदसलूकी करता दिखे उसे छोड़ना मत याद रहे वो तुम्हारी माँ है तुम्हारी आन बान शान है हमारी आन बान शान है तो जाओ फिर चलो गौरव जी वाह मैं तो धन्य हो गया आपकी इस वाणी को सुन के तो मैं धन्य हो गया ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान अवतरित हो गए वाह गौरव जी वाह जी धन्यवाद दरअसल ये मेरा आदर और प्रेम का भाव है गौ माता के प्रति उनके उपकारों के प्रति मेरा सिर नतमस्तक है लेकिन गौरव जी मुझे एक बात बताइए अगर हम पूरे दिन ये गाय की सेवा वेवा में लगे रहेंगे तो हमारी जेबें कौन भरेगा उसकी चिंता आप मत कीजिए जिन लोगों को मैंने गांव गली और शहरों में भेजा है ना ये मेरे ही कार्यकर्ता हैं और फिर जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वो गौ माता के लिए चंदा देगी और गौशालाओं का निर्माण होगा और उसकी धनराशि आप ही को तो संभालनी है वाह गौरव जी वाह आप कितनी गहराई से मोती निकाल के लाए मैं तो बस अब कायल हो गया वाह गौरव जी वाह आप धन्य हैं और हाँ आगे आगे देखिए होता है क्या कुछ छोटी मोटी घटनाएं होंगी कहीं पटाखे जलेंगे फुलझड़ियां जलेंगी अनार जलेंगे और हमारे गौ बारह और हाँ जो तुम्हें काम दिया था वो हो गया ये भी कोई पूछने की बात है पहले बताओ वो सामान रखवा दिया ना गाड़ी में हाँ तो बस तुम पहुंचो मैं भी आता हूँ ठीक है सबको बुला लेना इमरान फोन उठा क्या फोन क्यों नहीं उठा रहा है या अल्लाह क्या हो गया इसे अरे क्या हो गया आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं अरे देखो ना इमरान का मैसेज आया कि मैं भीड़ की जर्क में फंस गया हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है पूजन हमारा बेटा इमरान भीड़ की जर्क में फंस गया पता चला है उसकी कार में
गाय का मांस था। हमारे बेटे की कार में गाय का मांस? हमें पता है हमारा लड़का ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ खड़े हुए क्या करें? बचा के उसे बचाइए ना। अरे मैं जाऊंगा, मैंने बहुत लोगों से पूछा, किसी का नंबर नहीं मिल रहा है। अगर मैं वहाँ गया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तुम संभालो अपने आप को। मैं इमरान, मैं राकेश, मैं कल्लू पंडित, मैं मोहम्मद रियाज, अरे आखिर मैं हूं तो एक इंसान। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने पीने गया था। हम लोग साथ में एक दूसरे को किस्से सुना रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अचानक से हमारे पास आके एक गाड़ी रुकी और हम लोग सब डर गए। उस गाड़ी में से किसी ने बोरा फेंक दिया और कुछ भीड़ मेरी तरफ नारे लगाते हुए आ रही थी। कौन हो तुम लोग? गेलो सच्चा होते उससे, इसने हमारी गौ माता का कत्ल किया है। सारे हिंदू बहनों भाइयों, ये असली हिंदुत्व की लड़ाई है। तुम्हें हिंदुत्व का वास्ता, छोड़ मत इसे। अरे क्या किया है मैंने? ना पछतावा है ना इंसानियत का जिक्र है, ना पछतावा है ना इंसानियत का जिक्र है। हम लोग तो घरों में बैठे हैं महफूज, हमें किस बात की फिक्र है? हमें किस बात की फिक्र है? इस देश को क्या हो गया? ये क्यों गीता पुराण गायत्री आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बाहर का युद्ध तरक्की कर रहा और हमारा युद्ध आरक्षण को लेकर, पिछड़ों के आरक्षण को लेकर, स्वर्णों के आरक्षण को लेकर सड़कों पर जुलूस निकालता है, घर जलाता है, पेट्रोल पंप जलाता है, गरीबों लाचारों को मारता है। इकबाल भी कहते कहते चले गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे काहे का अच्छा हिंदुस्तान? ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अच्छा बनाएं। लेकिन हम अच्छा बना रहे हैं क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम अच्छा बना रहे हैं? अपने अपने स्तर पर क्या हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारा देश अच्छा बने? छोटी छोटी चीजें हैं जिसे करके हम अच्छे बन सकते हैं, हम नहीं बनते। क्यों सर? रिश्तों में खटास, हम संवेदनहीन हो गए हैं। एक बिल्डिंग में रहते जरूर है पर ये नहीं जानते कि ऊपर के माले में कौन रहता है। परिवार में साथ रहते हैं पर दुख दर्द के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। हम संवेदनहीन हो गए हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था, जहां आया हूँ लोगों से मैंने जब बात की, वो बता रहे थे कि अभी मैंने और लोगों से बात की थी कि जिस श्रद्धा कृतज्ञता में ढूंढ रहे हो ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। उसका एक ही सेंटर है जहाँ वो डेवलप होती है और वहीं से फिर विकसित होती है। वो बता रहे थे देव, हाँ यही तो है देव समाज मंदिर, यही तो बता रहे थे बोलो कि यहाँ फिर भी थोड़ी सी पाई जाती है। जी जी सर, रिश्तों में आज वो गर्माहट खत्म तो हो ही नहीं, लेकिन वनस्पति जगत, पशु जगत, पर्यावरण, इस सब के प्रति भी आचरण मनुष्य इन सब को नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल संवेदनशील हो गया। अरे मुझे भी उसने एक स्कूल में गया अपने बच्चे के, मां बच्चे कुछ करके दिखा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों की चीजें थी, बच्चों के लिए। मैं सोच रहा था कितना अवधि है। और अभी भी जो लोगों ने बताया कि देव समाज के अंदर हम लोग मनुष्य जगत, ये वनस्पति जगत और भौतिक जगत, एक जगत और बताया था, कोई बताया चार जगत थे, एक जगत और था, मनुष्य जगत, वनस्पति जगत, एक जगत रह गया कोई। हाँ पशु जगत, वो पशु जगत के बारे में दिखा रहे थे। तो चलिए हम भी जाकर देखना। अरे वो तो मैंने देख लिया। अच्छा चलो मैं अपनी मन की आंखों से इनको दिखाता हूँ कि मैंने उस दिन स्कूल के फंक्शन में क्या देखा। चलिए मन की बयार।
यार झूले पड़े डार डार सकी आई है सकी आई है चाई है सावन की बयार सकी आई है चाई है सावन की बयार सकी आई है चाई है सावन की बयार मैं आम फलों का राजा जिसकी फलों में कई प्रजातियां पाई जाती है गर्मियों में छोटे छोटे बच्चे मेरी डाली पर बैठकर मीठे रसीले आम खाया करते हैं और मैं नीम एक चमत्कारी पेड़ हूँ जिसमें मेरे जो विभिन्न अंग हैं जैसे मेरे पत्ते छाल इन सबको इन मनुष्य को रोग मुक्त करता हूँ मैं मीठे मीठे शैतूत जिसका सेवन करके लोग अपनी आंखों की रोशनी तेज करते हैं हर शुभ अवसर पर मुझे तोरण के रूप में द्वार पे सजाया जाता है पत्ते शाखाएं सुखाकर उसकी औषधियां बनाई जाती है और मुझ में तो डायबिटीज स्किन डिजीज बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं मैं स्वाद में तो कड़वा हूँ लेकिन अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही मीठा हूँ छोटे छोटे बच्चे तो मेरा मीठा होने का फायदा उठाते हैं उसे शरबत के रूप में पीते हैं अरे वाह ये मैं क्या सुन रही हूँ पेड़ बात कर रहे हैं तुमने बात की ना अरे बोलो चुप क्यों हो गए मुझसे बात करो अरे तुम्हारी टहनियाँ तुम्हारे फल कहाँ गए और नीम मामा तुम्हारी पत्तियाँ कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा लग रहा है तुम में तो जान नहीं है आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ तुमने आवाज नहीं उठाई विरोध नहीं किया कौन सुनता हमारी ये मनुष्य जिन्होंने ये हमारी बुरी हालत कर दी है ये मनुष्य तो ऐसे हैं जिनके पास दो दो आंखें होते हुए भी अंधे होकर चलते हैं अगर ये किसी का उपकार समझते तो आज पर्यावरण का ये हाल ना होता पेड़ काट दिए घर बनाने की चाह में जंगल के जंगल तबाह कर दिए